नमस्कार दोस्तों, शिक्षा नगरी में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस का अपना 3 नंबर का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से पेज ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है। मैं अपनी ईमेल आईडी भर देता हूँ। फिर आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद में मोबाइल नंबर, और फिर आप अपना एड्रेस, सिटी का नाम और स्टेट का नाम भर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपका पेपर सामने शो हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, पिछले पेपर नंबर 1 और 2 अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो उनकी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वीडियो की और टेस्ट पेपर की, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में प्रयोग करने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। ये अपना पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये अपनी पहली स्लाइड है, मैं 2-4 स्लाइड और ऐड कर देता हूँ इसमें। अब इसमें अंतर लेने के लिए मैं इसमें पिक्चर ऐड कर देता हूँ। इसके नेक्स्ट वाले में पिक्चर ऐड करते हैं, एक हो गया। अब अपना क्वेश्चन ये है कि हम मान लो यहाँ पे 3 नंबर की स्लाइड में है। अब 3 नंबर की स्लाइड से स्लाइड शो चालू करने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट यूज करना है? तो अपना शॉर्टकट होगा Shift+F5। मैंने Shift+F5 दबाया तो जिस स्लाइड में हम थे, 3 नंबर की स्लाइड, वहाँ से अपना स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। ये नेक्स्ट 4th नंबर की है और ये कंप्लीट, क्योंकि 4 ही थी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? Shift+F5। ठीक है, एक शॉर्टकट और बताता हूँ, हम 3rd नंबर की स्लाइड में हैं, हमें फर्स्ट वाले से स्लाइड शो स्टार्ट करना है, मतलब शुरुआत से स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो हम सिंपली F5 दबाएंगे, फर्स्ट वाली स्लाइड से अपना स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, Bing.com ये भी सर्च इंजन है, ये माइक्रोसॉफ्ट में आता है, उस कंपनी का है। तीसरा क्वेश्चन है, 1 और 2 ये भी नहीं होगा, Facebook.com ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो अपना आंसर होगा Facebook.com। ठीक है, 3 नंबर पे है, ईमेल का विस्तृत रूप है, मतलब ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा फायरफॉक्स है, ये दोनों ब्राउजर है, ये तो आपको सिंपली याद रखना होगा। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम जो विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से आता है, फायरफॉक्स से जो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हम अलग से इंस्टॉल कर लेते हैं। यदि फॉर्मेटेड संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठता है तो टेस्ट टेस्ट प्रदर्शित होगा, ये अपना एक्सेल का क्वेश्चन है। अभी मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, अब ये नंबर इसमें फिट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसका टाइप जनरल सेलेक्ट कर रखा है, हमें इस नंबर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस सेल में हम नंबर टाइप करते हैं, जीरा, मैंने ये नंबर टाइप कर दिया यहाँ तक, ये सेल से ज़्यादा है। अब इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई कॉलम की, तो इसको कम करते हैं, कम करने पर ये पूरा नंबर इसमें फिट नहीं होगा, फिट नहीं होगा इसलिए अपने को हैश दिखेगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो मैटर है सेल में वो ज़्यादा बड़ा है, इसकी सेल की चौड़ाई में पूरा फिट नहीं हो रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा? ये हैश वाला। डिस्क डीफ्रेगमेंट ऐसा प्रोग्राम है, डिस्क डीफ्रेगमेंट से हम अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित करते हैं और दूर कर देते हैं तथा फाइल और अनुपयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये रहा, जैसे अपनी सी डिस्क है, डी है, अगर इसको हम डीफ्रेगमेंट करेंगे तो इसका स्पेस बढ़ जाएगा, जो फाइलें अनावश्यक होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, उनको ये हटा देगा, ठीक है, और स्पेस को पुनः व्यवस्थित कर देगा। हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से एनालाइज होगा, फिर ऑप्टिमाइज कर देंगे, तो ये डिस्क सी में जो स्पेस फालतू का है या फिर फाइलें अस्त व्यस्त है उनको सही तरीके से कर देगा। सातवां क्वेश्चन है, एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा डाउट आ जाता है फंक्शन का। फंक्शन का सिंपल सा मतलब है, एक्सेल में अगर हम फॉर्मूला डालेंगे तो किस कुंजी का शॉर्टकट का यूज करेंगे, तो इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3। देखिए मैंने शिफ्ट दबाया और F3 दबाया, तो ये फॉर्मूला के लिए अपने पास नई टैब खुल गई। यहाँ से हम फॉर्मूला चूज कर सकते हैं, जैसे सम करना है, एवरेज निकालना है, तो फॉर्मूला यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को रेंज पूछ रहा है, ये अलग चीज़ें हैं, तो अपने को सिंपली फॉर्मूला इसमें इंसर्ट करना है, तो शिफ्ट और F3 की दबाएंगे, ये अपना शॉर्टकट है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, शिफ्ट और F3। MS Excel में इफ एरर है, वित्तीय फंक्शन लॉजिकल फंक्शन एक और दो दोनों को नहीं, इफ एरर अपना लॉजिकल फंक्शन है, जिसमें जैसे व्यू लुकअप वगैरह आता है एक्सेल में, तो वहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो वो इफ एरर है, इफ ये तो रिजल्ट ये होगा, ठीक है, तो ये अपना लॉजिकल फंक्शन है। निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं, मतलब स्टोरेज डिवाइस नहीं है, हार्ड डिस्क में स्टोरेज कर सकते हैं, CDRW, RW का मतलब हुआ रीराइटेबल, और CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इस पूरे का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो अपना आंसर ये होगा, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, तो इसका आंसर होगा हाइपरलिंक, ठीक है, हाइपरलिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है, जैसे ये अपनी हाइपरलिंक है, तो यहाँ पे ये ओपन करने के लिए बोल रहा है, ये हालांकि अपना ईमेल आईडी है, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जैसे ये लिंक मैंने ऐड कर रखी है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया वेब पेज ओपन होगा, ये हो गया, इसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ईमेल आईडी में Jaipur123 है, देखो ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं, बीच में तो एट द रेट आता है, लास्ट में सर्विस प्रोवाइडर का नाम आता है, और शुरुआत में अपना यूजर नेम आता है या फिर ईमेल आईडी का नाम है, तो इसमें पूछ रहा है Jaipur123 है, तो Jaipur123 ईमेल आईडी या यूजर नेम है, ठीक है। TCP/IP का विस्तृत रूप है, TCP/IP का विस्तृत रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वो प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क में कम्युनिकेट करता है, तो उसको इन रूल्स को फॉलो करना होता है। CDRW आंतरिक डिस्क की तुलना में तीव्र होती है, पुनः लिखा मिटा जा सकता है, ऑप्टिकल डिस्क पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम आंकड़ों को सुरक्षित करता है, तो पहला डिस्क है, पहला सॉरी ऑप्शन है आंतरिक डिस्क की तुलना में तीव्र होती है, ये गलत है। दूसरा, पुनः लिखा हुआ मिटाया जा सकता है, RW का मतलब ये हुआ है कि ये रीराइटेबल है, तो अपना सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, क्योंकि ये CDRW के बारे में पूछा, केवल CD के बारे में नहीं पूछा है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी मौजूदा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोलने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। अब यहाँ पे आपको ये कॉमन है, पूरे कंप्यूटर में ये कॉमन है, कंट्रोल प्लस ओ अपना सॉफ्टवेयर सॉरी शॉर्टकट होता है, जिसके थ्रू हम पहले से अपने पास कोई फाइल सेव है, जैसे आप म्यूजिक प्लेयर चला रहे हो तो आपको कोई गाना प्ले करना है तो कंट्रोल प्लस ओ दबाओ, फिर उस फाइल की लोकेशन में जाओ, वहाँ से आप प्ले कर सकते हो। ये अपना ब्राउजर है, इसमें आपको कोई फाइल ओपन करनी है, मैंने देखो कंट्रोल ओ दबाया, यहीं से दबा दिया, तो ये
फाइल मैनेजर या फिर फाइल एक्सप्लोरर अपना ओपन हो जाता है। जैसे अपने को ये पीडीएफ ओपन करनी है तो आप इसको ओपन कर सकते हो। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। इसी तरह से आप पावर पॉइंट में कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल वो दबाओ, फाइल एक्सप्लोरर अपना आ जाएगा। वहाँ से आपके पास अगर पहले से कोई फाइल है, जैसे डेस्कटॉप पे ये प्रेजेंटेशन वन है, तो इसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये ओपन हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अपना क्वेश्चन था 14 नंबर का, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संयोजन मतलब साथ में, मतलब ऐड करना, तो उसके लिए अपने को एम्परसेंड, मतलब ये और वाला निशान, एंड वाला निशान हम इसका यूज करते हैं। विंडोज 8 है, विंडोज 8 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कंपाइलर नहीं है, एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपना आंसर होगा ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिक्स का मतलब हम किसी ग्राफिक्स पर, जैसे फोटो हो गया, टेक्स्ट हो गया, कोई फाइल होगी, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे हमें फायरफॉक्स ओपन करना, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम अपना दो तरह से होता है, एक तो GUI और CUI। GUI मतलब ग्राफिक्स आधारित, और CUI मतलब कमांड पर आधारित। CUI का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, अब यहाँ से हमें फायरफॉक्स ओपन करना है, तो मैं कमांड लिखूँगा स्टार्ट फायरफॉक्स, तो ये यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। और अपना जो क्वेश्चन है उसमें ये विंडोज 8 एक ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या 12 होती है। फंक्शन कुंजियाँ होती है F1 से लेके F12 तक, आपके कीबोर्ड में ऊपर ऊपर की तरफ होती है, बीच में F1, F2, F3, F4, F5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये अपनी 12 फंक्शन कुंजियाँ होती है। सेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? अब यहाँ पे सेल आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो ये यूनिक्स की विशेषता, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक तरह का पैटर्न भी है, जिसमें ये यूनिक्स अपना प्रोग्राम रन करवाता है, ठीक है। तो सेल यूनिक्स में यूज किया जाता है। डोस है वो विंडोज़ वाले में यूज किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार हो गए, ठीक है। डोस विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, और यूनिक्स ये सेल यूनिक्स वाले में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। ये हम विंडोज़ क्या यूज करते हैं, विंडोज़ XP हो गया, 95 बहुत पुराना है, XP भी अभी पुराना हो गया, 7, 8, करंट में विंडोज़ 10 चल रहा है अपना, तो हम विंडोज़ का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। एरियल एक प्रकार की फॉन्ट शैली है, मतलब फॉन्ट स्टाइल है। आकार अलाइनमेंट ये कुछ नहीं है, मैं आकार और अलाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, इसकी साइज है यहाँ पे 11, इसकी साइज को बढ़ाना है, तो ये हो गया फॉन्ट आकार, की फॉन्ट का आकार बढ़ाना है, ठीक है। और अलाइनमेंट मतलब ये पेज में किस तरफ है, ये अपना बाएं तरफ है, ये अलाइनमेंट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ये दाएं तरफ से आ गया, सेंटर में लाना है तो सेंटर में, और ये यहाँ पे फॉन्ट शैली हो गई। यहाँ पे एरियल नहीं लिखा हुआ है, ये रहा, सॉरी, एरियल, तो ये फॉन्ट स्टाइल होगी। जैसे फॉन्ट स्टाइल में दूसरी चेंज करूँ अल्गेरियन, तो ये इस तरह से लिखा जा रहा है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एरियन एक फॉन्ट शैली है। MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य है, वेब लेआउट का तात्पर्य सिंपल सा इतना है
कि ये पेज वेबसाइट में किस तरह से दिखेगा। तो डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु इसका आंसर अपना ये होगा। और ये लेआउट अपना तीन चार तरह का होता है, ये रहा, ये नीचे लेआउट आते हैं अपने। ये तो प्रिंट लेआउट जो अपना एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लेआउट होता है। दूसरा फुल स्क्रीन, इससे पूरी स्क्रीन से दिखने लग जाएगा। तीसरा अपना वेब लेआउट, ठीक है, वेबसाइट में किस तरह से दिखेगा। चौथा अपना आउटलाइन और लास्ट में ड्राफ्ट है, ठीक है। तो तीन और दो पांच अपने लेआउट हो गए। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हायरार्की में आइटम स्तर को बदलने के लिए आप का उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हायरार्की का क्या मतलब हुआ? हायरार्की का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई निश्चित क्रम है उसमें आइटम के स्तर को बदलने के लिए। जैसे आइटम का स्तर में सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, इसको ये यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टैब दबाऊँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो इसका क्रम चेंज हो जाएगा। और हायरार्की हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। मैंने एंटर दबाया, वन के बाद में टू आया, इसकी बजाय हमने 1.1 कर लिया, तो इसका क्रम चेंज हो गया। फिर नीचे दबाया तो नीचे वाले क्रम के अनुसार चलने लग गया। फिर मैंने दोबारा टैब दबाई तो 1.1.1 इस हिसाब से हो गया। फिर नीचे दोबारा टैब दबाऊंगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इस निश्चित क्रम में ये टैब दबाने से वो चेंज हो जाता है नंबर उसको। तो अपना आंसर होगा टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? अब यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी समझ इस्तेमाल करनी होगी। इन्होंने किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है तो अपने को ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा है। हेडर, फुटर, फुटनोट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, ये चीज़ें अपनी आती है एमएस वर्ड में। तो ये इंसर्ट मेन्यू में कौन सा नहीं है, इंसर्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे अपने को फुटमार्क नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए अपने पास हेडर एंड फुटर में दिखा देता हूँ आपको, ये रहा हेडर और ये रहा फुटर, दोनों इंसर्ट मेन्यू में है। फुटनोट अपना आंसर ही हाइपरलिंक और बुकमार्क, ये रहा अपना हाइपरलिंक और ये बुकमार्क। अपने को यहाँ पे फुटनोट नहीं मिलेगा, ठीक है। फुटनोट मिलेगा अपने को रेफरेंसेज में। अब मैं फुटनोट का मतलब बता देता हूँ आपको, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे इंडिया पे आप फुटनोट ऐड करोगे, या फिर इंडिया की वजह मैं आपको न्यू दिल्ली लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस में जाके फुटनोट इंसर्ट किया, इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ आ गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि एक नंबर आगे सेकेंड लाइन में कोई अपने पास वर्ड आएगा, उस पर एक फुटनोट इंसर्ट कर दिया तो उस पर दो लिखा हुआ है। तो इनकी डिटेल फुटनोट मतलब नीचे नीचे मिलेगी आपको। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये अपना रेफरेंस हो गया, तो इस रेफरेंस को हम फुटनोट बोलेंगे। यहाँ पे हम लाते अपने को दिखा देगा कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरह की कई चीज़ें आपको बुक में या फिर वेबसाइट में आप देखते हो तो ये इस तरह से नंबर लिखा हुआ होता है, उसको हम फुटनोट बोलते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया फुटनोट। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड ये रहा, मैं इसमें वाटरमार्क इंसर्ट कर देता हूँ। पेज लेआउट में मिलेगा अपने को ये वाटरमार्क, ये डू नॉट कॉपी वाला ऐड करते हैं तो ये अपने टेक्स्ट के पीछे दिखाई देगा। जैसे मैं न्यू दिल्ली को नीचे ले गया हूँ, या फिर नया टेक्स्ट ये ऐड करता हूँ, मैंने नया टेक्स्ट ऐड किया यहाँ पे, तो अपने टेक्स्ट के जस्ट पीछे दिखेगा वो वाटरमार्क, ठीक है। तो हम ऑप्शन पे जाते हैं, लैंग्वेज में क्या है, इसमें किसी पृष्ठ के विषय वस्तु में छुपे हुए टेक्स्ट को डालने, तो अपना ये
आंसर सही है। ये विषय वस्तु है, इसमें छुपा हुआ टेक्स्ट पीछे की तरफ डू नॉट कॉपी हमने वाटरमार्क ऐड कर दिए, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया किसी पृष्ठ के विषय वस्तु में छुपे हुए टेक्स्ट को डालने के लिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है, RISC का विस्तृत रूप है। RISC का विस्तृत रूप होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो अपना पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता क्या है? ये एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर होता है जो ऑप्टिमाइज करता है इंस्ट्रक्शन के सेट को। मतलब इंस्ट्रक्शन भाई किसी की टास्क को करने के लिए अपने को 10 इंस्ट्रक्शन यूज की जानी है, तो ये RISC का काम ये है कि वो 10 इंस्ट्रक्शन की जगह उसको 4 या 5 इंस्ट्रक्शन में ही कंप्लीट कर देता है, ठीक है। ये यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड रीडर एक है, बारकोड रीडर जहाँ पे रीडर का नाम हो गया ना कि ये फटने वाला, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो ये इनपुट उपकरण है जो बारकोड को रीड करता है। तो अपना आंसर हो गया इनपुट उपकरण। क्वेरिटी का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? क्वेरिटी का प्रयोग कीबोर्ड के संदर्भ में होता है। कीबोर्ड के संदर्भ में कैसे? जैसे आप अपने कीबोर्ड को देखोगे तो वो ऊपर से स्टार्ट होता है QWERTY, तो इसको हम नॉर्मली क्वेरिटी कीबोर्ड ही बोल देते हैं कि ये कीबोर्ड का लेआउट है। कौन सा लेआउट है? क्वेरिटी कीबोर्ड है। जैसे अपना नंबर वाला आता था पहले मोबाइलों में 1 2 3 इस तरह से, तो उसको न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं। अब जो अपना कीबोर्ड ओपन होता है जैसे कंप्यूटर में, तो क्वेरिटी यूज होता है ज़्यादातर, अपने मोबाइल में भी क्वेरिटी कीबोर्ड आने लग गया, ठीक है। तो कंप्यूटर में मोस्टली 2 तरह के लेआउट यूज किए जाते हैं, एक तो क्वेरिटी है, एक है अपना डुअर्क, DWORK डुअर्क लेआउट। अब वहाँ पे आप इस कन्फ्यूजन में मत होना कि क्वेरिटी स्टार्ट हो रहा है QWERTY से, तो डुअर्क भी इससे स्टार्ट होगा, ये चीज़ें नहीं है। डुअर्क एक अगस्त डुअर्क नाम का आदमी था, उसने डेवलप किया था, तो उसके नाम पे डुअर्क लेआउट बोलते हैं। और क्वेरिटी लेआउट तो अपना जो सिक्वेंस है इसमें कीज का, उसके हिसाब से बोलते हैं। मैं दोनों का आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। क्वेरिटी कीबोर्ड और दूसरा अपना डुअर्क कीबोर्ड लेआउट। इमेज दिखाता हूँ आपको, सॉरी नेट स्लो हो गया अपना, ठीक है। मैं एडिटिंग में ऐड कर दूंगा इसको, आपको वहाँ पे सो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये हो गया अपना कीबोर्ड लेआउट। GUI है, ये अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर इंटरफेस। MS वर्ड में एक फॉर्म लेटर के सर्जन में प्रयोग किया जाता है जिसे आप अनेक बार प्रिंट या ईमेल करने के लिए भिन्न प्राप्तकर्ता को अलग अलग कॉपी भेजने का उद्देश्य रखते हैं, तो वो मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज के थ्रू आप ये वाले काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस CPU की गति ऐसे मापी जाती है, देखो CPU की गति मापी जाती है हर्ट्ज में, तो ये हो गया हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज, या MHz लिखा होता तो भी यही आंसर होता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत ये आएगी, आपको आएगा MIPS मतलब मिली इंस्ट्रक्शन मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS सॉरी। तो ये जो तरीका था इंस्ट्रक्शन के रूप में कंप्यूटर की स्पीड मापने का, वो पुराना हो चुका है, क्योंकि पहले माइक्रो प्रोसेसर नहीं थे। माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद में कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है, तो अभी नॉर्मली मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज, इनमें अपने कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है, ठीक है। ये अपना कीबोर्ड का लेआउट यहाँ पे लोड हो गया है।
तो ये अपना डॉक वाला कीबोर्ड दिखेगा इस तरह से, और क्वेरिटी कीबोर्ड नॉर्मली जो हम यूज करते हैं इस तरह से, यहाँ से QWERTY भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया। ओके, अपना क्वेश्चन था CPU की स्पीड मापी जाती है हर्ज और गीगा हर्ज में। इससे पहले जब माइक्रो प्रोसेसर नहीं आया था उससे पहले, या फिर आया था उसके कुछ सालों तक, हम उसकी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में कंप्यूटर की स्पीड को मापते थे। अब हम गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज या फिर इससे आगे वाली इकाइयों में मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट और स्वरूप को नियंत्रित करती है, तो ये अपनी मास्टर स्लाइड होगी। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट, एक सेकेंड, व्यू में मिलेगी आपको मास्टर स्लाइड, ये रहा स्लाइड मास्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इस एक स्लाइड में कोई चेंज करेंगे तो पूरी स्लाइड में हो गया। जैसे बैकग्राउंड स्टाइल चेंज की हमने इसकी इस तरह से, तो सॉरी ये अपनी सारी स्लाइड चेंज हो गई। इधर देखो आप, जितनी भी स्लाइड है वो सारी चेंज हो गई। इसका कलर चेंज करेंगे सबका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। थीम इसकी चेंज करेंगे, ये थीम ली हमने तो सारी स्लाइडों की थीम चेंज होगी, तो इसको स्लाइड मास्टर या फिर मास्टर स्लाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका आंसर होगा Ctrl+K। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर हाइपरलिंक डालनी है तो Ctrl+K दबाया, ठीक है। अब किस चीज़ की हाइपरलिंक डालनी है, जैसे मुझे किसी पिक्चर की डालनी है तो मैं यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में, सॉरी ये डाउनलोड वाले फोल्डर का लिंक हो गया अपने पास, मैं पिक्चर का डालता हूँ Ctrl+K। जैसे अपने पास ये पिक्चर है, ये वाले पिक्चर है, इसको ओके किया तो ये हाइपरलिंक हो गया। मैं इस स्लाइड को प्ले करता हूँ यहाँ से, अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो पिक्चर ओपन हो जाएगी। ये पिक्चर ओपन होगी जिसकी हमने उस स्लाइड में हाइपरलिंक डाली थी, तो अपना आंसर क्या होगा, Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यदि किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता हो तो आप ये करेंगे, तो इसके लिए हमें कट एंड पेस्ट करना होता है कि वहाँ से हमें कट कर लिया, दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। PC में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को कहा जाता है, उनको हम बस लाइन बोलते हैं। इसका कोई ज़्यादा खास रीजन नहीं है, बस हर तरह के कम्युनिकेशन में अलग अलग यूज होता है। जैसे अपना फाइबर ऑप्टिक्स में है तो उसको फाइबर वाली लाइन बोलते हैं, ये अपनी बस लाइन होगी। इलेक्ट्रिसिटी में अपना वायर बोलते हैं उसको अलग से, तो यहाँ को इसको 34 में अपना आंसर होगा बस लाइन। इसका कोई खास रीज़न नहीं है, बस नाम है। जैसे सेल हो गया, सेल का मतलब कॉमर्स में अलग होता है, मैथ में अलग हो गया, बायोलॉजी में अलग हो गया, इस तरह से है। या फिर किसी एक चीज़ के अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नाम हो जाते हैं, तो वो इसी तरह से हैं कि उन वायरों को हम यहाँ पे बस लाइन बोलते हैं। फायरवॉल क्या है, कंप्यूटर कक्ष को आग, कंप्यूटर कक्ष का तो मतलब नहीं, एक प्रकार का वायरस ये भी नहीं है, स्क्रीन शेयर प्रोग्राम ये भी नहीं है, तो अपना आंसर होगा कोई नहीं, ठीक है। फायरवॉल कंप्यूटर को बाहरी आक्रमणों से बचाता है, नेटवर्क से जो भी अगर कोई अटैक होगा वायरस का तो उससे सेव करेगा, तो हम इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना स्कोर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।